से एक बड़ी खबर, जहां प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट मामला जिसमें सुप्रीम कोर्ट में एक और अर्जी दाखिल हुई है। वर्शिप एक्ट के प्रावधानों की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई है। रिटायर्ड कर्नल हैं अनिल कंबोत्रा, इन्होंने याचिका दाखिल की है। कर्नल अनिल कंबोत्रा 1971 में पाकिस्तान के साथ युद्ध भी लड़ चुके हैं। याचिका में कहा गया है कि एक्ट हिंदुओं के मौलिक अधिकारों का हनन करता है। एक्ट आक्रमणकारियों को तीर्थ स्थलों को कब्जा करने की कानूनी मंजूरी देता है। ये एक बड़ी खबर, जहां इस मामले में एक और याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का मामला, जहां सुप्रीम कोर्ट में एक और अर्जी अब डाली गई है और वर्शिप एक्ट के प्रावधानों की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई है। और अविनाश हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारी देंगे। अविनाश, क्या इस दूसरी अर्जी में दाखिल है? चलिए वो हमारे साथ से जुड़ेंगे। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां रिटायर्ड कर्नल अनिल कंबोत्रा की तरफ से एक याचिका दाखिल की गई है। और अगर कर्नल अनिल कंबोत्रा के बारे में बताएं तो ये 1971 में पाकिस्तान के साथ युद्ध लड़ चुके हैं और अब इनकी तरफ से याचिका में कहा गया है कि एक्ट हिंदुओं के मौलिक अधिकारों का हनन करता है। और अविनाश अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अविनाश, बताएं इस नई अर्जी को लेकर। लेकिन अगर बात करें सुप्रीम कोर्ट में 75वां शून्य उपाध्याय ने अपने मुवक्किल कर्नल कबूतरा की ओर से अगर बात करें तो ये याचिका दायर की गई है, जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को चुनौती दी गई है। लेकिन वहीं पर अगर बात करें तो ज्ञानवापी मस्जिद और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर के जमीयत उलेमा हिंद ने भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी है। जमीयत जी के साथ लोग दावा नहीं कर सकते हैं। ठीक है अविनाश, आपकी आवाज साफ नहीं मिल पा रही है, लेकिन ये बड़ी जानकारी हम अपने दर्शकों को दे रहे हैं, जहां प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट मामले में एक और याचिका दाखिल की गई है और जल्द ही इस याचिका पर अब सुनवाई होगी, जहां एक्ट में अतिक्रमणकारियों को तीर्थ के कब्जे को लेकर जिक्र किया गया है और साथ ही इसकी कानून की मौलिकता को भी अब चैलेंज किया गया है। देखना होगा इस याचिका पर आगे क्या होता है। और चलिए आज सीएम योगी आदित्यनाथ के मथुरा दौरे का दूसरा दिन है, इसकी भी जानकारी आपको दे देते हैं। सीएम सुबह सुबह कृष्ण जन्म स्थान पहुंचे, जहां उन्होंने दर्शन पूजन किया। जन्म स्थान परिसर को भी सीएम ने घूम घूम कर देखा। ये पांच तस्वीरें आपके सामने हैं। सीएम के पहुंचने से लेकर मंदिर परिसर का जायजा लेने तक की ये पांच तस्वीरें सीएम योगी। इसके बाद यहाँ ब्रज क्षेत्र के विकास का रोड मैप लेकर बैठक भी करेंगे और साथ ही अधिकारियों के साथ ब्रज क्षेत्र के विकास पर चर्चा की जाएगी। दौरान की तस्वीरें जब श्री कृष्ण जन्म स्थान पर पहुंचे थे सीएम योगी आदित्यनाथ, वहां उन्होंने पूजा अर्चना की, पंडित पुरोहितों से बातचीत भी की। वहां मौजूद लोग भी काफी संख्या में इस दौरान थे, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। पूरे विधि विधान के साथ सीएम योगी ने यहां एबीपी गंगा, खबर आपकी जुबान आपकी।